बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए मेरे भाइयों। आप वीडियो में देख सकते हैं, एक आदमी ने एक शॉप पे गया हुआ है जहाँ पे वो फुटबॉल्स दिखा रहा है। उस फुटबॉल में सारे देशों का, सारे मुल्क का जो है वो झंडा लगा हुआ है। इसी तरीके का सऊदी अरब का भी झंडा लगा हुआ है और उस झंडे में आप देख सकते होंगे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये जो है इस तरीके का इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। जो है फुटबॉल में कलमा लिखा हुआ है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है और वो जो है वो मार्केट में बेच रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो लेके उसे पैर में मारें। तो मेरे भैया, इसी तरीके का बहुत सारा कोशिश जो है वो किया जा रहा है, पास्ट में किया जा चुका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम करने के लिए। तो मेरे भाई, वो आज उसका कम्प्लीटली बात जो है वो जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या निकला है वो आज कम्प्लीटली बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब। आप वीडियो कम्प्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी तखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। पिछले 100 सालों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात के खिलाफ 60,000 किताबें लिखी गई हैं सिर्फ इन 100 सालों में, जो रोजाना की तकरीबन 2 किताबें बनती हैं। किसी और शख्सियत की पर्सनैलिटी को मिलायन करने के लिए, बदनाम करने के लिए इतनी ज्यादा किताबें कभी नहीं लिखी गई। 60,000 किताबें जस्ट 100 ईयर्स में। नतीजा क्या निकला? लेकिन अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जितना वो इस्लाम को बदनाम करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मुबारक जात को टारगेट करके, उतना तेज़ी से इस्लाम फैलता है। और पिछले 100 सालों में जितनी तेज़ी से इस्लाम यूरोप और अमेरिका में फैला है, पिछले 1300 साल में इतना नहीं फैला। उसकी रीज़न मुख्तलिफ हैं। एक रीज़न मुसलमानों की आबादी का बढ़ना भी है। गोरों का बर्थ रेट जो है वो तो नेगेटिव में चल रहा है। इसके अलावा वहाँ पर गैर मुस्लिमों का इस्लाम कबूल करना भी है। और तीसरा, उनकी तरफ से जो इमिग्रेशन की ऑफर्स होती हैं, जाहिर है कि वहाँ तो बर्थ रेट नेगेटिव में है तो वो पूरी दुनिया से लोगों को वहाँ पर इमिग्रेशन देते हैं, वहाँ की नेशनलिटी देते हैं। तो ये सारी वजूहात, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये है कि वट एवर द रीज़न इज़, मुसलमानों की तादाद जो है वो यूरोप और अमेरिका में बढ़ रही है। और इसी बात का असल में काफरों को कलक है कि मुसलमान कोल्ड वार विन कर रहे हैं बगैर तलवार के, बगैर हथियार के, क्योंकि वहां पे ट्रू डेमोक्रेसी है। इसी तरीके से अगर मुसलमानों की तादाद बढ़ती रही तो आंदा 50-60 सालों के अंदर मुसलमानों की हुकूमत ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगी, क्योंकि मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। और इसी वजह से वो मुसलमानों को अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से मुतनफर करवाने की कोशिश करते रहते हैं। इससे पहले भी आपको पता है अमेरिका में भी ये हरकत की गई, डेनमार्क के अंदर भी, फ्रांस के अंदर भी गुस्ताहाना फिल्में और कार्टून जो हैं वो मुतारिफ करवाए गए इस्लाम को बदनाम करने। और दुनिया में 2.25 अरब मुसलमान मिलकर भी कोई एक वीडियो भी यूट्यूब से उनकी डिलीट नहीं करवा सके, और ना ये पॉसिबल है। और यहाँ पर मैं सिर्फ इस्लाह अकीदा के लिए, किसी को अटैक करना मकसद नहीं है, सिर्फ लोगों के दिमाग खोलने के लिए मैं बात करूंगा कि जिन लोगों के ये दावे हैं अपने बुजुर्गों के बारे में कि वो एक निगाह मार के जो है वो दुनिया जेरो जबर कर देते हैं, इन बुजुर्गों ने कब हमारे काम आना है कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत स्टेक पे लगाई हुई है इन काफरों ने, ये एक निगाह मार के यूट्यूब से एक वीडियो डिलीट करके बता दें। खुद इन बुजुर्गों की अपनी किताबों में कितनी गुस्ताखाना इबारते हैं, जो मैं अक्सर हाईलाइट करता रहता हूं। मेरा मसला नंबर 71B है, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। वो किताबें कश्फुल माजूब हो, हश्त बहिश्त हो, इसी तरीके से मलफूजात आला हजरत हो, हिफ्जुल ईमान हो, इस किस्म की कई किताबें जिनके मैंने हवाले दिए हैं, ये तो आज तक छप रही हैं। इन पर कोई निगाह मार के इन इबारतों को गायब नहीं करता, कोई बुजुर्ग निगाह मार के जो है वो YouTube से वीडियोस डिलीट नहीं करवाता। तो इसका मतलब है कि मैं फिर पंजाबी में बोलूंगा, मेरा गुस्सा उसी वक्त ठंडा होता है जब आप पंजाबी में ये खुदा दा ना जे कहानियां करानी है, बंद करो उन कौम नो, इतने 100 साल तू कहानियां करवा रहे हो, कुछ भी नहीं होने का मेरे भाई। मैं कहता हूं जी, ऐसी बुजुर्गी पे लानत है।
कि किसी शख्स के ऊपर बुजुर्गी है और नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक खाके बन रहे हैं, फिल्में चढ़ रही हैं यूट्यूब पे, वो एक निगाह मार के ये नहीं करता, वो जी फलां बुजुर्ग थे एक निगाह मारते थे तो ये कर देते थे तो वो कर देते थे, तो सब कुछ झूठ था, कुछ भी नहीं होता। ये सारे मिलके भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम एक काउंटर नैरेटिव जवाबी बयानियां इनके सामने लेकर नहीं आते इल्मी तरीके से। अब इसमें ये रहा वसवसा कि अल्लाह ताला यूट्यूब से क्यों नहीं ये वीडियोस डिलीट करवा देता, तो भाई अल्लाह का कहीं दावा ही नहीं है, ये दावे तो आपके बुजुर्गों ने किए थे निगाह मारने वाले। देखें यजीद ने खाना काबे की ईंट से ईंट बजा दी, हज्जाज इब्न यूसुफ ने खाना काबे की ईंट से ईंट बजा दी, बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, सही बुखारी में है, कुर्बे क्यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी खाना काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, तो अल्लाह ताला तो कहीं वो खाना काबे की हिफाजत का सिर्फ एक वाकया ये साबे फील वाला हुआ है, उसके बाद ना कोई वाकया हुआ ना उससे पहले हुआ ना होना है। दुनिया तो पकदरे एफर्ट है, यहां तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यानी ये मनसब दिया है कि वो अपने काबे की हरमैन की हिफाजत के लिए एफर्ट्स पुट करेंगे, यहां तो हिफाजत क्या हो रही है। पिछले दिनों आपको पता है कि एक बंदे ने काबा शरीफ के अंदर सेन के अंदर छलांग मार के खुदकुशी कर ली है और लोग कह रहे बड़ा खुशी नसीब है काबे मर गया, थोड़ा यानी लेवल देख लो इंटेलेक्चुअल, आराम मौत बंदा मरा है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की बदनामी की है और लोग कह रहे खुश नसीब है, तो कोई फरिश्ता ने आगे नहीं उसको बचाया कि ये हराम मौत मर रहा है, पूरी दुनिया में खाने काबे की बदनामी होगी, हरमैन की बदनामी होगी। भाई नहीं होगा ऐसे कभी भी, खाने काबे के अंदर लोगों की जेबें कट जाती हैं, कई लोगों के पेट कट के अंतड़ियां बाहर आ गई हैं जेब कटते कटते, ठीक है, और फिर माजअल्लाह अस्तगफुरुल्लाह खाना काबा शरीफ के अंदर तो आंखों की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बाल लोग तो बिल्कुल उसको वो स्पॉट बना के आए होते हैं बदनगाही करने के लिए, तो दुनिया में कदर एफर्ट है, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, ये हमने खुद ही एफर्ट पुट करनी है। तो मैं यानी इन बुजुर्गों के बारे में यानी जो झूठे दावे थे मैं उसके लिए कर रहा, मेरा तो किसी से कोई लेना देना नहीं मेरे भाई, मैं तो बार बार कहता हूं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ना मैं सो कॉल्ड वाबी हूं, जो कोई इल्मी बात करे उसे कहते हैं वाबी हो गए, और ना मैं बाबों का दिफा करने वाला बाबों का मानने वाला फिरकों का पुजारी बाबी भी नहीं हूं, मैं इल्मी किताबी मुसलमान हूं, जो अल्लाह ताला ने वाज़ह कुरान हकीम में फरमाया ईतूनी बी किताबी मिन कब्ल हाज़ा औ अथारतिन मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगर आपसे बहस करते हैं कुरान को नहीं मानते तो इनसे फरमाइए इस कुरान के नज़ूल से पहले अगर कोई किताब हो चलो वो ले आओ, या अंबिया इकराम के इल्म के आसार चलते आ रहे हो वो ले आओ, दलाइल के साथ इल्मी किताबी बात करो अगर तुम सच्चे हो, तो इल्मी किताबी बातें होनी चाहिए बजाय जज्बाती डॉक्ट्राइन के। मेरे भाइयों हॉलैंड में इस वक्त भी 10 लाख के करीब मुसलमान हैं, अबाउट 1 मिलियन, और असल टारगेट उनकी जिंदगी को हराम बनाना है इस किस्म के खाकों के जरिए, ताकि वो प्रोटेस्ट करें, फिर पार्लियामेंट के जरिए उन पर पाबंदी लगाई जाए, उनको वहां से निकाला जाए और कहा जाए मुसलमान तो होते ही दहशतगर्द हैं, ये तो बड़े जज्बाती हैं, ये असल उनका मकसद है। और पूरी दुनिया में मुसलमानों की तरफ से पुरजोर एहतजाज की वजह से सोशल मीडिया पर कंपेन चलाने के बायस फिलहाल तो ये मुसीबत टल गई है। 10 नवंबर 2018 को उन्होंने ये कॉन्टेस्ट करना था, जो कि अब ये कॉन्टेस्ट जो है वो प्रोस्पोन कर दिया उन्होंने वक्ती तौर पे। ये जो तंजीम है ना नी सियान, सैटन ही कहना चाहिए इसे, शैतान, SIAN, ये यानी नॉर्विश लैंग्वेज के अंदर कुछ, चूंकि आपको पता है इंग्लिश की बहन ही है ना ये, तो ये है स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे, ऑफ की जगह वहां पे AV का वर्ड इस्तेमाल होता है, इस वजह से वो सियान है। ये है, ये एक शैतानी तंजीम है जो चाहती है कि नॉर्वे से मुसलमानों को निकाला जाए, और सिर्फ नॉर्वे का नहीं है मसला, इस तरह की आपको तंजीमें जो हैं वो वीकर फॉर्म में यूनाइटेड स्टेट्स में भी मिलेंगी, पूरी यूरोपियन यूनियन के जितने मुल्क हैं उनमें भी आपको ये लोग मिलेंगे, क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि इस्लाम जो है कोल्ड वार विन कर रहा है, जाहिर है कि उनका बर्थ रेट नेगेटिव में हो गया और हमारा पॉजिटिव से भी ज़्यादा है, ओवर पॉजिटिव है, तो इसलिए वो इमिग्रेशन ऑफर करते हैं यहाँ से मुसलमानों को, और मैं ये सलूट करता हूँ उनको सर, मैं यानी बड़ी कदर करता हूँ कि गोरों का ये बहुत हौसला है, चाहे उनकी नीयत कोई भी है, हमारे मुसलमानों को इमिग्रेशन देना, अच्छी जॉब्स वहाँ पर, आप देखें हमारे मुसलमान अरबपति भी हैं वहाँ पर, मेरिट पे वो बंदा है ऊपर जा सकता है, आज उन लोगों के अरबों डॉलर्स
कि जो रिमिटेंस पाकिस्तान में आ रहा है उसकी वजह से हमारी इकॉनमी चल रही है, बाकी मुसलमान मुल्कों की भी, ये उनको क्रेडिट जाता है। तो वो चाहते हैं कि इमिग्रेशन की रोक दी जाए। ज़ाहिर है कि पर्पज़ ऑफ लाइफ को तो लोग तलाश कर रहे हैं ना जी, तो ज़ाहिर है जब मुसलमानों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, और वो मुसलमान जो यहाँ पे कभी भी अच्छे मुसलमान नहीं होते वहाँ जाके अच्छे मुसलमान बन जाते हैं, अच्छे बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कानून की पासदारी करनी पड़ती है। तो इनके तो रिलीजन में पहले ही इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें थी, तो इसकी वजह से मुसलमान ज़्यादा अच्छे इंसान साबित होते हैं बनिस्बत उन गोरों के। तो गोरे उनसे इम्प्रेस होते हैं, फिर कुरान तो आपको पता है एक जानदार किताब है, अपना असर छोड़ती है, तो लोग इस्लाम कबूल करते हैं। तो उनको ये तकलीफ भी है, इस्लाम आपको पता है फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है अमेरिका में, यूरोप में, बाकी भी रिलीजन फैल रहे हैं, लेकिन इस्लाम जिस तेज़ी से फैल रहा है और कोई रिलीजन नहीं फैल रहा। तो इसकी वजह से उनको तकलीफ होती रहती है, इस तरह की वो हरकतें करते रहते हैं। लेकिन अब इसमें ये देखना चाहिए कि इन मुल्कों की पॉलिसीज इस तरह नहीं है कि हम उन मुल्कों के खिलाफ कोई महाज खड़ा कर दें। यहाँ पे भी नॉर्वे की पुलिस ने उनको ये बराबर की थी कि आप सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे, कोई और आपने ऐसी इश्ताल अंगेज हरकत नहीं करनी। उसके बावजूद उन्होंने कुरान को आग लगाई, और उसके बाद खैर ये इलियास भाई जब बीच में कूदे फिर पुलिस वालों ने इनको भी पकड़ा, उनको भी पकड़ा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वहाँ पे, लेकिन इस लेवल तक वो जाने नहीं देते। फिर भी जज्बाती लोग जब यहाँ पे मौजूद हैं तो वहाँ पे भी मौजूद होंगे, हर जगह लोग मौजूद हैं। इसकी वजह से कोई बिल्कुल कोई एंटी यानी नॉर्वेश या आप कह लें एंटी यूरोपियन यूनियन कोई मुहिम मुसलमानों को नहीं चलानी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि चंद लोगों की गलती का वबाल उन सब पे डाला जाए। आप देखते हैं न्यूजीलैंड में जो हादसा हुआ, तो वो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो मेरा ख्याल है किसी मुसलमान ने इतना गम नहीं उसका मनाया जितना उन्होंने मनाया। तो उसको आप जो भी आप नाम दें, बहरहाल ओवरऑल कम अज़ कम वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। इस तरह के चंद वाक़ात की वजह से वो इश्ताल दिलाते हैं ताकि मुसलमान कोई नेगेटिव एक्टिविटी परफॉर्म करें, उसकी वजह से हमें मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने में आसानी हो जाए, जो बीच में शैतान घुसे में। और नॉर्वे की तो इमिग्रेशन वैसे भी बहुत मुश्किल है, और इस तरह के जब वाक़ात के अगेंस्ट हम कोई रिवेंज ऐसा दिखाएंगे तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए हाँ, यहाँ आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं, कोई उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ये नहीं कह रहा ज़रूर करें। यहाँ पे भी चले अब मौलवियों की नौकरी खुल गई है एक डेढ़ महीने के लिए, उनको एक इशू मिल गया है तो वो करेंगे, पब्लिक को उभारेंगे, और नॉर्वे की गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। आपके बैंक टूटेंगे, आपकी गाड़ियों को आग लगेगी, आपके बच्चे स्कूल जाने से रह जाएंगे, आपके मरीज हॉस्पिटल जाने से रह जाएंगे, आपकी रोड्स ब्लॉक होंगी, मुसीबत सारी की सारी इधर पड़ेगी। और यही वजह है कि मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस खबर को नहीं लाया गया, उसके पीछे ये भी इंटेंशन होती है कि यहाँ पे कोई हंगामा ना खड़ा। लेकिन हल्की फुल्की खबरें आई हैं मुख्तलिफ न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, लेकिन सोशल मीडिया तो आप पता ना, ये तो मीडिया की माँ है, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया है, इसके आगे कोई बांध नहीं बांध सकता। और वो मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबर इसलिए आई कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ट्रेंड पर आ गई, ट्विटर के ट्रेंड पर भी आ गई, गूगल के ट्रेंड पर भी आ गई, तो मजबूरन इनको डिस्कस करनी पड़ी। फिर भी मैंने यानी पूरी तहकीक की, मेरे एक बड़े करीबी क्लास फेलो मैट्रिक तक रहे हैं खुरम भाई, वो नॉर्वे में होते हैं, मैंने बकायदा भी उनका नंबर रेंज किया, हालांकि 20 साल हो गए मेरी उसकी मुलाकात भी नहीं है, लेकिन इस एक वाक्य की वजह से मुझे उसका नंबर रेंज करके फ़ोन करके मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली। उसने बताया कि नहीं जी ओवरऑल हम बड़े सुकून में, वहाँ पर उनका कारोबार भी बड़ा अच्छा है। उनका ये एक शैतानी तंजीम है, इसको आप पूरी नॉर्वे की पॉलिसी ना समझें, ये चंद एक शैतान किस्म के लोग हैं जो ये आए दिन हरकतें करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।